हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स स्टोरी टाइम। और आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है हैचिंग, जो कि एक बॉडी हॉरर मूवी है और ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें चार लोगों की एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें होते हैं मदर, फादर और उनके दो बच्चे। बड़ी बहन का नाम टिंजा होता है जो कि एक जिमनास्ट होती है और छोटे भाई का नाम मैथिस था जो कि एक आम बच्चा था, मतलब वो कोई भी स्पोर्ट्स वगैरह नहीं खेलता था। इनकी मदर एक ब्लॉगर थी, वो ब्लॉगिंग किया करती थी और इनके फादर एक मिनिएचर मॉडल थे और म्यूजिक भी प्ले किया करते थे। दिखने में तो ये फैमिली एकदम परफेक्ट लगती थी। एक दिन ब्लॉगिंग के शूट के दौरान उनकी विंडो से एक कौवा टकरा जाता है। टिंजा जैसे ही उसे देखने के लिए अपनी विंडो खोलती है तो वो कौवा उसके घर के अंदर आ जाता है और पूरे घर में तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो सब कुछ तहस नहस करने के बाद थक कर एक जगह पर बैठ जाता है, जिसके बाद टिंजा उस कौवे को पकड़ लेती है और उसे बाहर छोड़ने जा रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो उससे कहती है कि इसे मुझे दे दो, इसने जो तबाही मचाई है उसका खामियाजा तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। मॉम उस कौवे को पकड़ती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है और फिर टिंजा को कहती है कि इसे डस्टबिन में जाकर फेंक दो। टिंजा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। वो चाहकर भी अपनी मॉम को कुछ नहीं कह पाती। वो खामोशी से उसे फेंककर घर आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कौवा अभी भी जिंदा था और वो डस्टबिन के अंदर फड़फड़ा रहा था। तो क्या वो कौवा मायावी था? नेक्स्ट मॉर्निंग टिंजा देखती है कि उसके घर के पास कोई फैमिली रहने आई है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रीटा था। रीटा भी टिंजा की ही एज की थी, इसी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रीटा टिंजा को अपने घर बुलाती है लेकिन टिंजा की मॉम उसे वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि कुछ ही दिनों में टिंजा की जिमनास्ट की कंपटीशन होने वाली थी और मॉम का कहना ये था कि तुम्हें अभी सिर्फ अपने कंपटीशन पर ही फोकस करना चाहिए। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि टिंजा की मॉम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग सोए हुए थे। तभी टिंजा को कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि किसी कौवे की लग रही थी और वो आवाज सामने जंगल से आ रही थी। टिंजा उस आवाज को फॉलो करने लगती है लेकिन बाहर जाने से पहले वो अपने घर के डस्टबिन को चेक करती है जहाँ से वो कौवा गायब था। अब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए जंगल में चली जाती है जहाँ उसे वो कौवा मिलता है जिसकी गर्दन टूट जाने की वजह से बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये था कि ये कौवा आखिर यहाँ कैसे आया, तो इसे हम आगे की एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। टिंजा उस कौवे को दर्द से मुक्ति दे देती है। वो एक बड़ा सा पत्थर लाती है और उस कौवे को मार देती है। तभी टिंजा को वहाँ पर एक अंडा दिखाई देता है। वो उस अंडे को ये समझ कर उठा लेती है कि शायद ये इसी कौवे का अंडा होगा और ये बच्चा बेचारा दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो गया। अब टिंजा वो अंडे को लेकर अपने घर चली जाती है और अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टिंजा की पूरी फैमिली को देखते हैं जिसमें उसकी मॉम ब्लॉग शूट कर रही थी। वो अपने ब्लॉग को लेकर इतना ज्यादा सीरियस थी कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। आखिर करे भी क्यों ना, क्योंकि उससे उनकी अच्छी खासी कमाई जो हो रही थी इस शो ऑफ से। मॉम अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखा करती थी, स्पेशली टिंजा पर। टिंजा की कोई दोस्त भी नहीं थी क्योंकि उसके मॉम के मुताबिक अभी उसके लिए करने लायक सिर्फ दो ही काम थे, पहली पढ़ाई और दूसरी जिमनास्ट की तैयारी। ये देखकर तो पता चल जाता है कि इस फैमिली में प्रोफेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और सबसे अमेजिंग तो इनके डैड है जो किसी भी मामले में कुछ कहते ही नहीं है। उनका होना या न होना सब एक बराबर है। एक दिन टिंजा जब अपने जिमनास्ट की क्लास खत्म करके अपने घर आती है तो वो अपनी मॉम को एक टीरो नाम के आदमी के साथ बहुत क्लोज देखती है। एक्चुअली टीरो एक इलेक्ट्रिशियन था और उसकी मॉम का दोस्त भी था। टिंजा को अपनी मॉम का टीरो के साथ इतना चिपकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बेचारी टिंजा कर भी क्या सकती थी। फिर वो अपने कमरे में आकर उस अंडे को देखने लगती है जिसके अंदर से जोर जोर से हार्ट बीट की आवाज आ रही थी। फिर कुछ दिनों के बाद टिंजा जब उस अंडे को दोबारा देखती है तो वो अंडा अपने साइज से डबल हो गया था, इसलिए वो उसे अपने टेडी बियर के अंदर छुपा देती है। नेक्स्ट डे टिंजा जिमनास्ट के क्लास में रीटा को देखती है जो परफॉर्मेंस के दौरान टिंजा से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। और उसी दिन टिंजा की मॉम टिंजा की परफॉर्मेंस देखने आई होती है, लेकिन मॉम रीटा की अच्छी परफॉर्मेंस देखकर इस बात को हजम नहीं कर पाती, इसलिए क्लास खत्म होने के बाद वो खुद से टिंजा को प्रैक्टिस करवाती है और तब तक वो उसे प्रैक्टिस करवाती है जब तक उसके स्टेप्स परफेक्ट न हो जाए। इसी चक्कर में बेचारी टिंजा के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। कोच मॉम को इतनी प्रैक्टिस करवाने से मना करते हैं
हैं। लेकिन मॉम तो ठहरी जिद्दी। मॉम का ऐसा करने के पीछे एक और वजह थी कि वो कंपटीशन के फाइनल पार्ट को ब्लॉग बनाकर लोगों को दिखाना चाहती थी कि उसकी बेटी कितनी परफेक्ट है। लेकिन ये सब के लिए टिंजा का ये कंपटीशन जीतना जरूरी था, मगर टिंजा अपने वजूद भूल चुकी थी। वो कंपटीशन से ज्यादा उस अंडे के करीब होती जा रही थी। अगले सीन में हम टिंजा और मॉम को कमरे में देखते हैं, जहां मॉम टिंजा को बताती है कि मैं बिजनेस मीटिंग के बहाने टीरो के घर कई रात गुजार चुकी हूँ, क्योंकि मैं टीरो से प्यार करती हूँ और कल भी मैं वहाँ जा रही हूँ। मॉम तो ये बात इतनी आराम से कह रही थी कि जैसे ये कोई नॉर्मल बात हो। कितनी महान औरत है। लेकिन टिंजा करती भी तो क्या, उसकी मॉम उसे ये बात सीक्रेट रखने को कहती है। टिंजा अपनी मॉम से कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में आकर उस अंडे से लिपट कर रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टिंजा के आंसू अंडे के अंदर एब्जॉर्ब हो रहे हैं और तभी वो अंडा क्रैक होने लगता है, जिसमें से एक हाथ बाहर आता है, जिसे देखकर टिंजा डर जाती है। अब अंडे से एक बहुत ही खौफनाक क्रिएचर बाहर निकलता है, जो दिखने में तो परिंदे जैसा था, लेकिन वो काफी बड़ा और डरावनी आवाज वाला था। उसकी आवाज सुनकर डैड उसके रूम में आ जाते हैं, लेकिन तभी वो क्रिएचर खिड़की तोड़कर बाहर चली जाती है। टिंजा अपने डैड से कहती है कि उसके रूम में एक परिंदा आ गया था जो अब जा चुका है। यहाँ पर टिंजा को लगता है कि वो क्रिएचर अब दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली रात वो क्रिएचर फिर से उसके कमरे में वापस आ जाता है, जिसके हाथ में ग्लास चूक गई थी। वो क्रिएचर टिंजा के हाथ को अपने सर पर रख लेती है, क्योंकि वो उसे अपनी मॉम समझ रही थी। अब धीरे धीरे टिंजा का भी डर खत्म हो गया था और वो उस क्रिएचर की ऐसे केयर करने लगी थी जैसे वो उसकी ओरिजिनल वाली मॉम हो। लेकिन उसी रात हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि ये क्रिएचर और टिंजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिटार्ड का डॉग उस रात बहुत भौंक रहा था, जिस वजह से टिंजा की नींद खराब हो जाती है और टिंजा के मन में आता है कि वो उस डॉग को मार देगी। तभी वो क्रिएचर बाहर जाती है और उस डॉग के सर को बॉडी से अलग कर देती है और उसके सर को टिंजा के पास ले आती है। अब ये देखकर तो टिंजा की हालत खराब हो जाती है, वो वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है और वो क्रिएचर उसकी वोमिटी को खाने लगता है। छी, कितना गंदा सीन था। वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि हर परिंदा अपनी मॉम के उगले हुए खाने को ही खाता है। नेक्स्ट डे टिंजा डॉग की डेड बॉडी को गार्डन में दफन कर देती है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसका भाई देख लेता है, जो अगले दिन मौका पाते ही अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देता है। वो सोचता है कि अब टिंजा को डांट पड़ेगी, लेकिन उल्टा उस बेचारे को ही डांट पड़ जाती है, क्योंकि उसकी मॉम डैड उसे कहते हैं कि टिंजा ऐसा ही नहीं सकती। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टिंजा का रिलेशन उस क्रिएचर के साथ काफी मजबूत हो गया था। टिंजा उस क्रिएचर को हर पल ये एहसास दिलाने की कोशिश करती थी कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। फिर टिंजा अपने बारे में सोचती है कि मेरी मॉम को तो मेरी बुराइयों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। कुछ दिन बाद टिंजा को उस क्रिएचर के लुक्स में कुछ बदलाव दिखाई देते हैं, यानी कि उसके सर पर अब टिंजा के जैसे ही बाल आने लगे थे और तो और अब तो वो कुछ वर्ड्स भी बोल सकती थी, जिसे सुनकर टिंजा समझ जाती है कि वो एक मेल है, तो वो उसका नाम एली रख देती है। देखते ही देखते महीने बीत जाते हैं, लेकिन इसके बाद टिंजा की लाइफ में कुछ हादसे होने लगते हैं। अब की बार जब टिंजा की मॉम उसकी ट्रेनिंग देखने जाती है, तो रीटा का परफॉर्मेंस देखकर वो उसके सामने ही कह देती है कि टिंजा तुम रीटा से नहीं जीत सकती हो, जिससे टिंजा का दिल टूट जाता है। यानी कि इतनी मेहनत के बाद भी क्या हासिल हुआ। टिंजा के इमोशन का डायरेक्ट असर अब एली पर पड़ रहा था। ऐसा लगता था जैसे इनका मेंटली कोई कनेक्शन हो। टिंजा जो कुछ भी फील करती थी वो एली समझ जाती थी, और जो एली फील करती थी वो टिंजा समझ जाती थी। अब फिर एली को भी समझ आ गया था कि टिंजा रीटा की वजह से परेशान है, इसलिए वो रीटा पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है। दूसरी तरफ टिंजा भी इस बात को फील कर पा रही थी, इसलिए उसे दौरे पड़ने लगते हैं। यहाँ पर मॉम को ये लगता है कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो इसीलिए वो टिंजा को चेयर अप करने के लिए टीरो के घर ले जाती है। लेकिन इस बार वो छुप कर नहीं जाती, बल्कि सबको बता कर जाती है। टिंजा अभी बच्ची थी, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानती थी कि उसकी मॉम गलत कर रही है, यानी कि वो जानबूझकर डैड को चीट कर रही है। मजे की बात तो ये थी कि डैड को भी ये सब बात पहले से पता था, लेकिन फिर भी वो अनजान बने हुए थे, शायद इसलिए कि मॉम कौन सा किसी की बात सुनने वाली है। अगले दिन मॉम टिंजा को लेकर टीरो के घर चली जाती है। वहाँ जाकर टिंजा एक छोटे बच्चे हेलमी से मिलती है। वहाँ मॉम
तो उसे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उन्हीं का बच्चा हो। दूसरी तरफ एली भी टिंजा को ढूंढते हुए टीरो के घर पहुंच जाती है। टिंजा भी उसके बगैर अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। टिंजा को जब रीटा के साथ हुए एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर वो उसे बुरी तरह से इंजर्ड देखती है तो वो एली से कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। घर आकर टिंजा एली पर बहुत चिल्लाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो खुद को हर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार एली टिंजा को शांत कर ही लेती है और कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। टिंजा नोटिस करती है कि एली का फेस भी अब बिल्कुल उसी की तरह हो गया है, लेकिन वो हरकतों में बिल्कुल उसकी अपोजिट थी। फिर उसी दिन एक और अजीब सी चीज होती है। एली को खाना खाते हुए टीरो देख लेता है। वो बिल्कुल जानवरों की तरह खा रही होती है। टीरो ये बात मॉम को बताने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी एली उस पर हमला कर देती है, लेकिन सही वक्त पर टिंजा किसी तरह से उसे बचा लेती है। और अब फाइनली टिंजा के कंपटीशन का दिन आ गया था। आज वो फाइनल परफॉर्मेंस करने वाली थी, लेकिन मॉम तो उससे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वहीं टिंजा भी काफी ज्यादा उदास थी, क्योंकि इतनी मेहनत के बावजूद भी उसकी मॉम उससे खुश नहीं थी। टिंजा हेलमी से जलस फील करती है कि मॉम ने उसे तो कभी इतना प्यार किया ही नहीं, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं एली उसकी मॉम को नुकसान न पहुंचा दे, जिसके बाद वो खुद को किसी तरह से नॉर्मल कर लेती है। लेकिन फिर भी एली समझ जाती है और हेलमी के घर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ टिंजा भी एली की एक एक स्टेप्स को महसूस कर पा रही थी। उसे अंदाजा हो जाता है कि एली हेलमी पर हमला करने वाली है। हेलमी को बचाने के लिए टिंजा जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लेती है, और यही डर जब एली को महसूस होता है तो वो उस पर हमला नहीं कर पाती है और वो वहाँ से चली जाती है। टीरो फिर से उसे भागते हुए देख लेता है। यहाँ पर टीरो को लगता है कि टिंजा को जरूर बायोफोरेन नाम की बीमारी हो गई है। यह बीमारी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नेगेटिव सोचने की वजह से होती है। टीरो सोचता है कि टिंजा अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई है, इसलिए वो उसकी मॉम से ब्रेकअप कर लेता है। मॉम अपना सारा गुस्सा टिंजा पर उतार देती है, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। मॉम उसे कहती है कि तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो। जब वो दोनों टीरो के घर से वापस अपने घर पहुँचते हैं तो एली भी उनके पीछे पीछे आ जाती है, मगर इस बार टिंजा एली को खिड़की से आने नहीं देती तो एली को दूसरी तरफ से आना पड़ता है, जिस वजह से मॉम और डैड उसे देख लेते हैं। डैड को तो हर बार की तरह इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मॉम इस बात को जरा सी भी नजरअंदाज नहीं करती है। एली कमरे में आकर अलमीरा में छुप जाती है, लेकिन मॉम उसे ढूंढ लेती है और गुस्से में आकर उसके हुलिये को सुधारने के लिए उसके बालों में कंघी करने लगती है। मगर मॉम को तो इस बात का पता ही नहीं था कि वो तो उनकी बेटी है ही नहीं। एली के बिगड़े हुए हुलिये को देखकर मॉम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इतने जोर से उसके बालों को खींचती है कि बालों का एक गुच्छा उनके हाथों में आ जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। इससे पहले मॉम कुछ समझ पाती, एली उन पर हमला कर देती है और उनके फेस पर अपने नेल गड़ा देती है। टिंजा कमरे के बाहर से ये सब कुछ देख लेती है। अपनी मॉम को खतरे में देखकर वो उसे बचाने के लिए कमरे में आ जाती है और अब फाइनली मॉम का उन दोनों से आमना सामना हो जाता है। टिंजा एली को वहाँ से भगा देती है। टिंजा मॉम को सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे उसे जंगल में एक बड़ा सा अंडा मिला था और तब से लेकर अब तक की हर बात कि कैसे एली की वजह से अब तक कितना कुछ बुरा हुआ है। तब मॉम को इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक आइडिया आता है। फिर वो एक चाकू लेती है और दूसरा टिंजा को दे देती है और एली को ढूंढने निकल पड़ती है। आखिर एली उन्हें मिल ही जाती है। मॉम एली पर चाकू से वार करती है, लेकिन जैसे जैसे मॉम एली पर वार करती है वैसे वैसे टिंजा को भी हर बार उतना ही दर्द हो रहा था। टिंजा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी मॉम को रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन तभी मॉम से गलती से वो चाकू टिंजा को लग जाती है। फिर कुछ ही मिनटों में टिंजा की डेथ हो जाती है, जिसके बाद एली उसका सारा खून पी लेती है। जैसे जैसे वो उसका खून पी रही थी उसके जख्म ठीक होने लगते हैं। अब एली एकदम टिंजा की जैसी दिखने लगती है। एली टिंजा की मॉम को अपनी मॉम बुलाने लगती है। मॉम ये देखकर घबरा गई थी। अब पता नहीं उन्हें अपनी बेटी को खोने का गम था या अपनी ब्लॉक के खराब होने का, क्योंकि टिंजा मर जो गई थी तो उसकी जगह अब कौन लेगा। लेकिन मॉम जैसे ही एली को देखती है उनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो जरूर ये सोच रही होंगी कि भले ही उनकी बेटी मर गई हो, लेकिन उसकी जगह लेने के लिए कोई तो है। शायद मॉम ये सोच रही थी कि वो एली को भी टिंजा की तरह इस्तेमाल करेगी, उस पर रोब जमाएगी, लेकिन मॉम का तो ये सोचना गलत था, क्योंकि एली तो बिल्कुल टिंजा की अपोजिट थी। अब ये सब तो
हम सोच रहे हैं कि मॉम ये सब सोच रही होगी, लेकिन वो क्या सोच रही थी ये तो हम जान ही नहीं पाते। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।